प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। तो बोलो दीनानाथ। अब क्या बताएं सरकार, आप हमें कुछ करने भी तो नहीं देते। चार लठैत भेज दें बस्ती में तो डोर डंगर की तरह हंकार कर ले आएंगे सबको खेतों पर, सबके सब काम पर लग जाएंगे। इन लोगों की क्या मजाल के सरकार की जमीन पर बेगारी करने से इनकार कर दें? अरे नहीं भाई, जोर जबरदस्ती का जमाना चला गया दीनानाथ, अब तो कानूनबाजी का जमाना है। और कानूनबाजी में कोई भी जीत सकता है और कोई भी हार सकता है। अब ये लोग कानूनबाजी करेंगे, वो भी आपसे जिनका दिया खाते हैं लोग। सब अपनी किस्मत का खाते हैं दीनानाथ। तुम चलो। लेकिन सरकार, खेतों की कटाई चटाई का क्या होगा? हो जाएगा, सब हो जाएगा पटवारी। तुम जरा उस कुंदन को इधर भेजो। कुंदन। हाँ, कहाँ है? हे कुंदन। हाँ, क्या ठाकुर बुला रहे हैं तुम्हें? अब हमने क्या किया? तुमने कुछ नहीं किया, वो कुछ करने वाले हैं। और सुन सुन। हाँ, वो चमारों ने मरा बैल उठाया कि नहीं वहां से? ना, उन लोगों ने काम करने से इनकार कर दिया। क्यों? वो बोले कि पटवारी से कहो पहले पैसा दे फिर हाथ लगावेंगे। साले, खाल भी लेंगे और माल भी चाहिए। अच्छा तुझे मैं देखता हूँ। देखो, हम कहें कि कस्बे से कसाई बुला के उठवा लो, अब तो बाड़े में भी बदबू फैलने लगी है। क्या, अब तक वहीं पड़ा है पिछवाड़े में? और का, लहास को कौन हाथ लगा देगा? अच्छा तुझे मैं देखता हूँ। गंगी, ये कौन से नाले का पानी भर दिया लोटे में? सड़ांग आ रही है। क्या हुआ? अरे ये पानी कहाँ से दिया तूने? मटके से, सुबह ही तो भर लाई थी। अरे इतनी सड़ांग मार रहा है, देख तो मटके में कुछ गिरा तो नहीं। दिखा मटके में, अब क्या गिरेगा? अरे कोई चूहा हुआ ना गिरा हो, देख तो। हाँ।
मटके में भी वही बदबू है। मटकी छोड़, एक बाल्टी भरला ताजा पानी की। तुम दवाई तो पी लो। दवा काहे से लूंगा बिना पानी के। तू जा पानी ले आ। जोकू, जोकू, जोकू रे। कौन? गीसु, आजा अंदर आजा। ये क्या रे, तू तो खटिया पकड़ के बैठ गया है। राजा साहब बुलाए हैं। क्या है, काम क्या है? वो घोड़े की जीन का पट्टा टूट गया है, वही मरम्मत करवाएंगे। दो एक दिन में ठीक हो जाऊं तो आके कर दूंगा। दो एक दिन क्या, वो तो अभी निकलने वाले हैं। घोड़ा बोड़ा सब तैयार खड़ा है। अभी तो नहीं आ सकूंगा भाई, हालत तो देख ही रहे हो तुम मेरी। हाँ भाई, मैं तो देख ही रहा हूँ, परम मालिक भी तो समझे। जनावर कुएं में गिर पड़ा और मर गया। गिरा नहीं, फेंका है। ठाकुर के आदमियों ने फेंका है। वो क्यों करने लगे ऐसा? याद नहीं, पिछले महीने पटवारी का बैल मर गया था और उसने राका को उठाने के लिए कहा था। हाँ, जब उसका बायकाट कर दिया था सारे चमारों ने। हाँ हाँ, कस्बे से कसाई बुलवा कर उठवाया था उसने। उस वक्त कहा तो था उसने कि तुम लोगों का हुक्का पानी बंद ना करा दूं तो कहना। वो क्या जानवर मारने गया होगा? अरे नहीं, उसी कसाई से कह के कुत्ता या गीदड़ फिकवा दिया होगा। हाँ, जहर देकर मरवा देते। तो जहर भी होगा पानी में? अरे भैया, पानी तो वैसे भी जहर हो गया, अब जो पिएगा क्या बचेगा? मर ही जाएगा। अब क्या होगा? भगवान ही जाने, कुएं में उतरना पड़ेगा, सफाई करानी पड़ेगी, और क्या। बिना पानी के जिएंगे कैसे? ठाकुर तो एक लोटा ना देंगे अपने कुएं से। सब ठीक ठाक चल रहा है सरकार। मुंह खुलवाना हो तो नाक बंद करनी ही पड़ती है। अपने आप आएंगे खेतों पर बेगारी के लिए। अपने कुएं पर पहरा बिठवा दो, हमारी इजाजत के बिना कोई पानी नहीं भरेगा। आप कहें तो दूसरे दिन दूसरी मनादी भी करवा दूं सरकार। मजदूर जब बेगारी के लिए खेतों पर आने लगे तब मनादी करवा देना। जी। कहना कि उजरत के साथ एक मटका या एक बाल्टी पानी मुफ्त मिलेगा। कितना बड़ा मटका सरकार? मटका या बाल्टी सरकार? अबे उल्लू के पट्टे, एका कोनो कहे का बात है, जितना उठा सके उतना। चल दफा हो यहां से। जी।
बाबा बाबा गंगे गंगे क्या हुआ बेटी? थोड़ा दूध चाहिए था बाबा, दो दिन से बुखार में पड़े भून रहे हैं, कुछ खावे तो पछता नहीं। और आज एक और जुल्म हो गया, दवा पीने तक को पानी नहीं है घर में। अरे हाँ सुना है, सुना है कुएं में कोई जानवर गिर के मर गया। गिरा नहीं बाबा, गिराया है। सुना है पटवारी की शरारत है। पटवारी की मजाल कहाँ, ये सब ठाकुर की चाल है। वो तुम लोगों ने खेत पर बेकारी से मना कर दिया था ना, बस वही अब वो तुम सबको नथी करके ले जाने वाला है। रोज रोज कौन जाएगा नदी पर पानी लाने के लिए? चार को चल के जाओ, चार को चल के आओ। ले पिला दे खसम को। अभी पैसे नहीं है मेरे पास बाबा। पैसे किसने मांगे तेरे से? क्या इतनी देर कर दी तूने, यहां प्यास के मारे दम निकला जा रहा है। क्या करती, कुएं में जानवर फेंक के सत्यानाश कर दिया है ठाकुरों ने। मुझे भी कुछ ऐसा ही शक था, पटवारी ने करवाया होगा। अरे पटवारी ने नहीं, ठाकुर ने कराया है, खेतों पर मजूर बुलाने के लिए। ये क्या ले आई तू कसोरे में? दूध लायू तुम्हारे लिए गडरिए के यहाँ से। हाँ पर पैसे, एक गरीब क्या दूसरे गरीब से पैसे लेगा। ये लो। बुखार तो उतरता ही नहीं, कमी नहीं होता। पानी का क्या होगा, प्यास बुझती ही नहीं, बुखार में और ज्यादा लगती है। कोई दूसरा कुआं भी तो नहीं है गांव में? है भी तो हमारे लिए थोड़ी है, एक ठाकुर का कुआं है, वहां कोई चढ़ने भी नहीं देगा। दूसरा साहू का है, वहां भी अपनी जात वालों के लिए एकदम मना है। मंदिर में जाके मांगो, शायद पुजारी को तरस आ जाए। वही सब बखट टंकी भरी रहती है पानी से। वो भी एक चंट आदमी है, मंदिर की सीढ़ियां तो चढ़ने नहीं देता, पानी कैसे दे देगा। बहुत ऊंची छोटी बांधता है। कर्पूर गौरम कर्णावतारम संसार सारम मुझ गिन्धारम
सदा वसंतम हृदयारविंदे भव भवानी सहितम नमामि। ओम वसुदेव सुतम देवम कंसचारूढ़मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जोद्गुरुम नीलांबर श्यामल कोमलांगम सीता समारोप दिवाभागम पाणौमासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधुः जस्का त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गंगी है तू झोंकू की जोरू। महाराज एक कृपा कर दो महाराज, एक मटका पानी दे दो महाराज, मेरा घर वाला बुखार में पड़ा भुन रहा है महाराज। क्यों, अरे तुम्हारे कुएं को क्या हुआ? वो तो भ्रष्ट हो गया महाराज। तुम्हारा कुआ भी भ्रष्ट होता है? अरे ठाकुर ने छू लिया था क्या? दो चार लोटा ही दे दो महाराज, नहीं तो प्यासा ही मर जाएगा बेचारा। अरे आप काहे को पीछे पीछे चली आ रही है? बस एक लोटा पानी महाराज। हमारा पानी तुझे भ्रष्ट नहीं कर देगा? याद नहीं है, एक बार हाथ लगाया था तो तूने पूरा चमार टोला इकट्ठा कर लिया था, सारे चमारों को बुला लाई थी। चल आ यहां से जा। क्यों ना दिया पानी पंडित ने? चल यही पानी पिला दे, नाक बंद करके दो घूंट पी लेता हूं। मत पियो ये पानी, सारा कुआं तो जहर हो गया है। सांझ हो रही है, थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, तब ठाकुर के कुएं से भर लाऊंगी पानी। चोरी मत करना गंगी, वरना सारे गांव के सामने खाल उधड़ देंगे ठाकुर। वैसे भी वहां कोई ना कोई हमेशा होता है पहरे पर। दिया क्यों जला रही है? दिया जला देने से रात हो जाएगी क्या?
बस चलना तो हो गया। चलो। ये कौन आ रही है पानी भरने? अभी क्या बता दे, रोज का वही, रोज का वही। खाने की क्या बात, खाना तो मैंने उनको लगा के परोस भी दिया था। वो तो पीछे बैद जी के घर से हैं। अच्छा। अब यहाँ कौन आएगा? बाहर से यहाँ कोई नहीं आने वाला। चलो चलो चलो, चलो भैया तुम भी चलो। राम राम मौजी। राम राम भैया। राम राम। भाभी क्या बताऊँ, खाना परोसते ही ताजे पानी की प्यास लगाती है। और क्या, अभी शाम को ही पानी भरा था, सारा पानी मुँह हाथ धो के बहा दिया। कुआं पास में है ना, इसलिए दूर होता तो पता चलता, जब खुद भर के लाना पड़ता। मुझे भी दे दो, मेरे मदद को भी। अभी रुको ना, मैं अपनी भी मटकी भरती हूँ। हाँ हाँ सही। थोड़ा इसमें भी डाल ले। ले भैया तेरे को तो छोड़। और निकालते हो? रुक नहीं जरा, और पानी। इसके साथ से फिर पी जाते, तेरे बच्चे पी जाते। ये भी ठीक है, मैं खाली मेहनत करते हाथ चल। रुको अभी मेरी मटकी भर दे, पहले मेरी। चल भर दे, इसमें भी डाल दे। अरे मेरा तो बहुत है बस। चलो बस चल जाए। ये भी काम हुआ समझो। कौन है? कौन है? कौन है वहां कुएं पर?
हाँ।